छः महीना पहले मैंने कहा था, सरकार को पत्र भी लिखा था, वित्त सचिव को भी आगाह किया था कि जैसी स्थिति है, छः महीने के बाद सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए खजाना में पैसा नहीं रहेगा। मेरा कहा हुआ इस महीने में सही साबित हुआ है। नवंबर महीना में अभी तक सरकार के कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल सका है। मुझे अभी बताया गया कि 16 दिसंबर को सरकार के खजाना में पैसा आया है और आज से वेतन भुगतान होगा। ये हाल रहा तो नया साल शुरू हो रहा है, नए साल की शुरुआत में क्या होगा और कर्मचारी अपना नया साल कैसे मनाएंगे, इस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। एक साल से सरकार की जो फिजूल खर्ची है, वह फिजूल खर्ची तमाम खजाना को खाली कर चुकी है। खजाने पर हर महीने लाल बत्ती जली रहती है। 15 तारीख बीतता है, 20 तारीख हर महीने का जैसे आता है, तो अगले महीने में वेतन कहाँ से दिया जाएगा? इसके लिए सारा भुगतान रोक दिया जाता है और जुटाया जाता है कि पैसा किस तरह से रहे। इस महीने में तो अभी नहीं हो सका, नवंबर महीने का वेतन 16 दिसंबर को 17 दिसंबर को दिया जा रहा है। ये फिजूल खर्ची का नमूना है। मुझे लगता है कि वित्त मंत्री को, जो खुद मुख्यमंत्री हैं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री जगह जगह घूम रहे हैं तो उनको इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि झारखंड के साथ ऐसा क्या हुआ है, सरकार ने ऐसा क्या किया है कि कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ गए हैं। 16-17 तारीख हो जाने के बाद ही पिछले महीने का वेतन नहीं मिल रहा है।